जीवन आशा हॉस्पिटल गंग नहर के किनारे मुरादनगर मनशापुर महावीर क्षेत्र में सोमवार से कांवड़ियों के लिए सरकार की सहयोग से एक निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है जो जीवन आशा हॉस्पिटल के प्रांगण में आता है। जो हमारे कांवड़िए हरिद्वार से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं उन लोगों के लिए निशुल्क शिविर लगाया गया है जिसमें दर्द की दवाइयाँ और अलग अलग तरह की उनके लिए दवाइयाँ चीज़ें रखी गई हैं। ये देखिए हरिद्वार से लोग आए हुए हैं यहाँ पर और ये हमारे कांवड़िए भाई बैठे हुए हैं सब, तो ये हमें बताएंगे कि इनका पूरा सफ़र कैसा रहा। बहुत बढ़िया रहा सफ़र, बहुत बढ़िया, भोले की कृपा रही, बहुत अच्छी। और हरिद्वार का माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया था वहाँ, बहुत बढ़िया सुविधाएं, नहर की सुविधाएं बहुत अच्छी मिली हैं यहाँ से, वहाँ से यहाँ तक। मेरा छोटा बोला, मेरे ताई का लड़का है मेरे साथ आया, जिससे जो मेरे को हिम्मत दे रहा है यहाँ पे आने की, वो मेरे को ख्यास्ता ले चल रहा है। अच्छा। हरिद्वार में थोड़ा सा ऐसा मतलब थोड़ा मेरे साथ गलत चीज़ हो गई थी। कैसे? हमारे थोड़ा बैग लॉस हो गया था और फिर फ़ोन वोन सब चोरी हो गया हमारा, और पैसे वगैरह सब चोरी हो गए, तो उसके बाद बहुत दिक्कत हुई, आगे पीछे हो गए थे भोले मेरा छोटा भाई। उसके बाद फिर जैसे तैसे भोले की कृपा रही, हम सही चलते रहे अब आगे तक, और जब इतनी दूर तक भोला खेच लाया तो और रस्सी पकड़ के खेच देंगे। अभी आप लोग को कैसा रहा वहाँ से यहाँ तक का? बहुत अच्छा लगा, बाबा भोलेनाथ की कृपा है। अच्छा। और अच्छा सफ़र हुआ और उनकी जो परेशानी होते हुए वो भी महसूस नहीं, और अच्छा सफ़र हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा, बाबा की कृपा है। ये देखिए जीवन आशा हॉस्पिटल में जिस तरह से कांवड़िए भाई हमारे बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो इनको भी हमने हॉस्पिटल के बारे में बताया। और यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से चाय, बिस्किट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक वगैरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ये हमारे यहाँ पर जो सरकार की तरफ से ये कैंप लगाया गया है, इसमें सरकार की तरफ से जो डॉक्टर्स भी आए हुए हैं वो भी आई है, हम उनसे ही पूछे उनका कैसा अनुभव रहा। मैम हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, पहली बार हमें भोलों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये ड्यूटी तो हम अपनी करते हैं पर लेकिन ड्यूटी हमारी हॉस्पिटल में होती है, पर लेकिन ये जो मौका मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा मिल रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा भोलों के साथ। हमें फ़र्स्ट टाइम ऐसा चांस मिला है कि मतलब जो जो जितने भी कांवरिया हैं, जितने भी भोले हैं, हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। और ये हम चाहेंगे कि लाइफ में हमें बार बार ये एक्सपीरियंस मिले, हमें बार बार मौका मिले इन लोगों की सेवा करने का। जय भोले की। मैं तो हर साल कांवड़ियों की सेवा करती हूँ, हमारा अपना एक अलग से भी कैंप होता है और जीवन आशा का कैंप में तो मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कांवड़िया आ रहे हैं, बहुत सारे कांवड़िया आ रहे हैं और सभी संतुष्ट हैं, हम लोग उनकी सेवा करके बहुत खुश हैं। योगी सरकार ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, सभी कांवड़िए बहुत खुश हैं। और जीवन आशा हॉस्पिटल में जैसे सबको पता ही है यहाँ कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं निशुल्क, और रोगियों को यहीं पर रखा जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो इस तरह का काम एक जीवन आशा हॉस्पिटल ही कर सकता है। तो अभी ये शिविर और दो दिन तक चलने वाला है, परसों शिवरात्रि का महापर्व है, तो देखिए शिवरात्रि के महापर्व तक हम लोग हॉस्पिटल की तरफ से कांवड़ियों की सेवा होती रहेगी। और आप लोग भी आगे आके अपना सहयोग दीजिए, जीवन आशा जिस तरह से दिव्यांगों की मदद करता है, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाता है, तो ये सहयोग ही परमात्मा की सेवा का एक जरिया है, एक रास्ता है। तो आइए जीवन आशा को अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।